नमस्कार प्रिय दर्शक, आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए अनमोल है। इससे हमें नए और विभिन्न जानकारियों से परिपूर्ण विषयों पर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा है क्लिक करें, या फिर आप इस वीडियो में नीचे राइट कॉर्नर में दी गई सब्सक्राइब की इमेज पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन के जरिए फ्री गिफ्ट्स भी पा सकते हैं। अतः ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखें। तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब की रेड बटन पर क्लिक करें, हमें सब्सक्राइब करें और जीते ढेरों इनाम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेजर फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस नामक बीमारी की। मेनिंजाइटिस क्या है, कैसे होता है, इसके होने के क्या कारण हैं, इनके लक्षण क्या हैं। जो टीनेजर्स और युवाओं में सबसे आम लक्षण होते हैं वो क्या हैं, बच्चों और बूढ़ों में क्या हैं, और हाँ, मेनिंजाइटिस का परीक्षण यानी कि उसकी जांच कैसे होती है, इसका इलाज क्या है और क्या इसकी रोकथाम संभव है, और ऐसे इससे जुड़े सभी तरह के सवालों को अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भी हमारा वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। जी हाँ, बच्चों और युवाओं में मेनिंजाइटिस के लक्षण नजर आने लगे हैं। क्या है मेनिंजाइटिस? उस बीमारी का नाम है जिसमें मस्तिष्क को चारों ओर से घेर कर रखने वाली लाइनिंग तथा स्पाइनल कार्ड में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। ये संक्रमण आमतौर पर बच्चों, टीनेजर्स और युवाओं का होता है। बूढ़े भी इस बीमारी के रिस्क पर होते हैं। इसके अलावा जो मरीज लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, बिस्तर पर हैं तथा जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर पड़ गई हो, वो भी इसके जोखिम पर होते हैं। मेनिंजाइटिस दो तरह के संक्रमण से होती है, एक वायरल मेनिंजाइटिस तथा दूसरा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस बहुत आम बीमारी है जिसके लक्षण आमतौर पर गंभीर नहीं होते। इलाज के अभाव में रोग की गंभीर अवस्था आती है जिसमें रोगी को लंबे समय तक बुखार बना रहता है तथा झटकों के साथ दिमागी दौरे पड़ते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस उतनी आम बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत घातक होती है। इसका इलाज तत्काल किया जाना चाहिए, अन्यथा ब्रेन डैमेज होने के साथ साथ मृत्यु तक हो जाती है। तो क्या है इनके कारण, क्यों होता है मेनिंजाइटिस? वायरल मेनिंजाइटिस वायरस के संक्रमण से होती है। यह बहुत ही संक्रामक रोग है तथा रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे तक छींक, खांसी के जरिए पहुंच जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति से नजदीकी संबंध रखने पर भी संक्रमण लग सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? टीनेजर्स और युवाओं में जो सबसे आम लक्षण होते हैं वो ये हैं कि सख्त और अकड़ी हुई गर्दन, इसमें गर्दन मोड़कर थोड़ी को सीने से लगाने में असफलता ही हाथ लगती है। बुखार होना, सिर दर्द होना, उल्टियां होना, सोते रहना तथा जागने में दिक्कत होना, झटके के साथ दौरे आना। बच्चों तथा बूढ़ों और दूसरी स्वास्थ्यगत समस्याओं से पीड़ित लोगों के लक्षण अलग हो सकते हैं। जैसे बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं तथा खाने से इनकार कर सकते हैं, उन्हें रैशेस भी निकल सकते हैं तथा गोद में लेने पर रोने लग सकते हैं। कुछ थोड़े बड़े बच्चे मेनिंजाइटिस के संक्रमण से ग्रसित होने के बाद फ्लू की तरह के लक्षण प्रकट कर सकते हैं। उन्हें खांसी के साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। बूढ़े सिरदर्द के साथ बुखार आने की शिकायत पर कर सकते हैं। यदि बच्चों में उपरोक्त लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत ही चिकित्सक की सलाह लेना सबसे बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेजर फॉर यू में। दोस्तों, बुजुर्ग होना अपने आप में एक तरह की बीमारी माना जाता है। बुजुर्गों के कूल्हों से बहुत आवाज़ आती है। जी हाँ, आज हमारा यही टॉपिक है कि उम्रदराज लोगों के कूल्हों से चटकने की जो आवाज़ आती है, यानी कि बैक कमर के साइड से, ये क्या होता है? क्या ये कोई बीमारी है? इसका इलाज क्या है? इसमें किस तरह के स्ट्रेचेस आते हैं? क्या हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? और किस तरह से हम इस पूरी बीमारी के लक्षण और उससे रोकथाम कर सकते हैं? इन सभी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और ये वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। मेनिंजाइटिस का जो परीक्षण होता है, इसकी पहचान करने के लिए पैथोलॉजी जाँचें जरूरी होती है। मरीज की रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालकर उसकी जांच की जाती है। रक्त की अन्य जांचों के अलावा चिकित्सक सीटी स्कैनिंग तथा एमआरआई की भी सलाह दे सकता है। इसका इलाज, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का इलाज अस्पताल में एंटीबायोटिक्स के जरिए किया जाता है। मरीज को स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। अस्पताल की सघन चिकित्सा इकाई में मरीज के बाल झड़ने से लेकर झटके के साथ दौरे पड़ने की स्थिति पर नजर रखी जाती है। यह जानना जरूरी रहता है कि मरीज का ब्रेन क्षतिग्रस्त हुआ है या उसे बचा लिया गया है। वायरल मेनिंजाइटिस एक बहुत ही आम बीमारी है। जो बच्चे और युवा इससे ग्रसित होते हैं, उन्हें 2 हफ्तों के इलाज के बाद आराम मिलने लगता है। और इसकी रोकथाम संभव है। बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए उम्र के हिसाब से जितने टीके बताए गए हैं वे सभी लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों को मीजल्स, चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा के टीके लगवाना चाहिए। चिकित्सक तय करेंगे कि बच्चे को न्यूमोकोकल तथा मेनिंगोकोकल संक्रमण के टीके लगना चाहिए या नहीं। मेनिंगोकोकल टीका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस संक्रमण को रोकने में समर्थ है। और घरेलू उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है आराम। बच्चे को सिर दर्द होने की स्थिति में आराम करने की सलाह दी जाती है। उसकी सारी गतिविधियों पर विराम लग जाता है। वो पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन बोर्ड गेम्स, टीवी प्रोग्राम्स देखने के अलावा म्यूजिक सुन सकता है और नेट पर टाइम पास कर सकता है। यानी कि वो चीजें जिनमें उसे आनंद आता है, जिनमें उसके मस्तिष्क पर असर नहीं पड़ता, वो सभी काम वो कर सकता है। और यही हाल बुजुर्गों और बड़ों का भी होता है। तो फिर मेनिंजाइटिस को हल्के में ना लें दोस्तों। और ये था हमारा वीडियो मेनिंजाइटिस के ऊपर। धन्यवाद। और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सबसे ज़्यादा अपडेटेड सेगमेंट की, यानी कि फ्री गिफ्ट बोनांजा की। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो के शुरू में बताया कि किस तरह से आप हमें सब्सक्राइब करके गिफ्ट जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप शामिल हो जाते हैं उन लकी लोगों में जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे सरप्राइज़ जीतने के। और हमारा सरप्राइज़ गिफ्ट जो होता है वो आप तक पहुँचेगा कैसे? हर महीने की 15 तारीख को जो हमारा ड्रॉ निकलेगा, उसमें जितने भी लकी कस्टमर्स होंगे उन लोगों को हम बाय कोरियर हमारा गिफ्ट भेजेंगे और उन्हें कोरियर चार्ज भी नहीं देना है। बिल्कुल फ्री गिफ्ट रहेगा। तो दोस्तों, इस बार का गिफ्ट क्या है, ये बात करते हैं। इस बार का गिफ्ट है ये सेल्फी स्टिक, वायर्ड सेल्फी स्टिक। और दोस्तों, ये वायर्ड सेल्फी स्टिक है। 270 डिग्री के रोटेशन होता है इसमें और ये लगभग 3.5 फीट लंबी सेल्फी स्टिक है। जी हाँ, 3.5 फीट लंबी। और ये मिलेगी हमारे उन 100 लकी सब्सक्राइबर, उन 100 लकी कस्टमर्स को जो हमें सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, तो हमें सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। हो सकता है ये गिफ्ट आप भी जीतें। और हम यही चाहेंगे दोस्तों कि आप हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद अनमोल है। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें नई नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने का एक जरिया मिलेगा और हम आपके लिए बेहतर और बेहतर वीडियोस बना सकेंगे। तो इस गिफ्ट को जीतने के लिए और भी ज़्यादा गिफ्ट जीतने के लिए, जी हाँ, ये सिर्फ 1 महीने का है। आप हर महीने 15 को जीत सकते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन बेकार नहीं जाएगा। पुराने महीने वाले भी उस ड्रॉ में शामिल होंगे। और चाहे किसी भी मंथ में आप जब भी सब्सक्राइब करें, आप हमारे लकी ड्रॉ के एक शामिल सदस्य होंगे। हो सकता है इस महीने ना सही अगले या उसके अगले या उसके अगले आपको एक बेहतर गिफ्ट जीतने का मौका मिले। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल लिखना ना भूलें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके पास तक ये गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट जो भी हमारा रहेगा, हम पहुंचा सकें। तो 100 लकी कस्टमर इस मंथ जीत सकते हैं ये, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, याद रखें। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे सेगमेंट थॉट ऑफ द डे का। तो आज का थॉट ये है कि पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण जाल में फंसते हैं। तो दोस्तों, अपनी जुबान को बेहतर बनिए, मीठी बनाइए और इसी तरह से अच्छे अच्छे बोलते रहिए ताकि आपके सभी लोग, आसपास के लोग आपको पसंद करें। तो दोस्तों, ये था हमारा थॉट ऑफ द डे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम बेहतर वीडियोस बना सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।